हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारे पास है द ऑल न्यू स्टारिया। ये एक ऐसी प्रीमियम 7 सीटर गाड़ी है। इसमें हालांकि 12 सीटर वेरिएंट में आता है, हम उसे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बट 7 सीटर में बहुत सारे स्पेशल फीचर्स आए थे। और अगर आप सोच रहे हो एक फैमिली के साथ कहीं घूमने जाने का शौक रखते हो और अच्छा पैसा भी आपके पास इसको खरीदने का, और उसके साथ साथ होटल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, तब आपके लिए एक प्रीमियम गाड़ी अगर आपको चाहिए तो स्टारिया कुड बी द वन फॉर यू। लेकिन इंडिया का लॉन्च, इसका इंजन, इसका इंटीरियर, क्या इसकी स्पेशल बात है, किस प्राइस पर ये आ सकती है, सारा कुछ जानने के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी एंड तक। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लें सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर व्हीकल से। तो सबसे पहले सेफ्टी के बारे में बात कर रहे थे, बिकॉज अभी फैमिली व्हीकल है तो सेफ्टी तो चाहिए ना। तो ADAS के तो सारे फंक्शंस आपको मिल जाते हैं, जहां पर अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, कोई हो गया, और उसके साथ साथ आपको लेन डिपार्चर वार्निंग, और इवन इसमें आपको जो कैमरा है वो आपके ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन वाले काम भी जो है वो सारे करता है। तो उसकी वजह से ये व्हीकल हो जाता है स्पेशल, सेफ भी, और प्लेटफॉर्म तो अच्छा इसका मिल ही जाता है। सबसे अच्छी चीज़ है कि ये बहुत बड़ी है, 5.2 मीटर लेंथ इसकी चली जाती है, हाइट भी 2 मीटर के आसपास चली जाती है। तो उसी वजह से ये व्हीकल फैमिली बहुत प्रेफर करती है। स्पेस के मामले में इट्स अमेजिंग, सेफ्टी के मामले में मैंने आपको बता दिया, उसके अलावा ABS, EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, 360 डिग्री कैमरा, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, सब कुछ मिल जाता है। फ्रंट लुक लुक्स गुड, स्लोपिंग आपको स्टार गेजर का एक बफ्ड अप वेरिएंट मिलेगा, 360 डिग्री कैमरा, ब्राउन्स या एक ब्राउन फिनिशिंग ऑन द ग्रिल नीचे की तरफ भी, तो थोड़ा सा डार्क गोल्ड वाली फील भी आपको प्रोवाइड करता है। और साथ में रिवर्स फर्स्ट फ्रंट पार्किंग सेंसर स्टार्स मिल जाते हैं, बड़े बड़े हेडलैम्प सेटअप मिल जाते हैं, 4 हाई बीम 4 लो बीम का काम करते हैं, तो सॉरी 6 मिलेंगे ऊपर जो है ये इंडिकेटर, और उसके लिए है DRL टाइप आपको प्रोजेक्टर जो है वो ऑप्शन मिल जाती है, तो उस तरीके का कुछ काम करते हैं यहाँ पर। ये ग्रिल काफ़ी बढ़िया लग रही है इसकी, ग्रूव्ड है, लुक्स रियली रियली नाइस, मुझे बढ़िया लगी। और ये सारा कॉपर फिनिशिंग जी है, ये भी स्टारिया के लुक को और एनहेंस कर रहा है। अब इंजन वगैरह साइड प्रोफाइल दिखाने से पहले ना इंटीरियर दिखाता हूँ आपको, उससे यू विल फॉल इन लव विद दिस कार। इंटीरियर इस साइड से दिखाना इसलिए चाहूँगा ताकि फीचर्स आपको सारे दिखा सकूँ। पहले तो स्टेयरिंग रिमोट कंट्रोल्स आपको सारे मिल जाते हैं, ह्यूंडई का टिपिकल स्टेयरिंग, बट थोड़ा सा डिज़ाइन डिफरेंट, क्रोम फिनिशिंग, सैटिन क्रोम जो है वो थोड़ा लोअर लगती रही है इस व्हीकल के लिए। ADAS के सारे कंट्रोल्स आपको वहीं पे मिल जाते हैं, जो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको नहीं इलेक्ट्रिकल सॉरी मैनुअल एडजस्टेबल टिल्ट एंड स्टेयरिंग व्हील जो है वो आपको ऑप्शन जो है वो मिल जाती है यहाँ पर। उसके साथ साथ ये जो ज्वेल सिस्टम का यूज़ किया गया, जो कि काफ़ी बढ़िया लगता है, दिखने में प्रीमियम लग रहा है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको, पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं, 8-स्पीड ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक आपको ऑफर की जाती है, और साथ में रेन सेंसिंग वाइपर्स भी मिल जाते हैं इस तरफ। 10.25 इंच की बड़ी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। ब्राइटनेस इस टाइम पे इसकी थोड़ी कम की गई है, आई थिंक सेटिंग्स में से चेंज हो जाएगी, इसको इंक्रीज़ कर दिया जाएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहने वाली है। डिस्प्ले जे लाइट इसकी तो मैंने बढ़ा दी, उसकी भी बढ़ जाएगी, तो इसी तरीके से आप इसकी भी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो। और एनिमेशन वही आपको टिपिकल ह्यूंडई वाली मिलेगी, जिस तरीके की आपको LKSR में देखने को मिलती है, अलग अलग ड्राइव मोड्स पे आप इसे चेंज होता हुआ नज़र आएगा आपको, दिखेगा। यहाँ पर ड्राइव मोड्स में प्रेस कर रहा हूँ और ये चेंज होती नज़र आएगी, नॉर्मल, इको, स्पोर्ट एंड स्मार्ट, सॉरी स्पोर्ट्स। और इस तरीके से आप स्मार्ट मोड पे इसको ऑटो होल्ड ऑन ऑफ या कर सकते हो, तो आपको वो ऑप्शन मिल जाती है। ADAS के सारे फंक्शन है, इट मीन्स आपको यहाँ पर कार भी डिस्प्ले हुई नज़र आती है। लेट्स मूव ऑन टू द इंटीरियर मोर पार्ट, ज़्यादा अच्छा लगता है आपको। लेकिन उस साइड से अगर दिखाऊं तो ये जो सीट है ये आपको मिल जाती है इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल 12 वे विद लंबर सपोर्ट एज वेल, अंडर साइड सपोर्ट, रिक्लाइन, स्लाइड सब आप यहाँ पर कर पाएंगे। राइट साइड पर अगर आप स्टोरेज देखेंगे तो प्लेंटी ऑफ स्टोरेज, बड़े बड़े बैग्स, बड़े बड़ी बॉटल्स आप बहुत आसानी से यहाँ पर रख पाएंगे, और सारे कंट्रोल्स फॉर द विंडो आपको यहीं पे देखने को मिल जाते हैं। रूफ सारी वेलवेट की है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, फिनिशिंग इज रियली कूल एंड प्रीमियम। सनरूफ मिल जाती है इलेक्ट्रिक, पीछे एक और सनरूफ है वो भी दिखाऊंगा। साथ में मिल जाती है आपको यहाँ पर LED लाइट्स, लुक्स नाइस, और साथ में मिल जाती है आपको सनरूफ के कंट्रोल्स और इसके डोर के कंट्रोल्स भी। एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि आपको इस तरफ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्टोरेज मिल जाती है, स्लिप्स, वॉलेट, मनी, कैश, लूज चेंज, फोन, इस तरीके की चीज़ें रखने के लिए। कप होल्डर डेडिकेटेड फॉर दी कंज्यूमर। बोस के स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं, 12 स्पीकर्स, दैट्स अमेजिंग। और साथ में मिल जाता है वायरलेस चार्जर इस तरफ, 8 इंच की टच स्क्रीन, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लू लिंक के सारे कनेक्टेड फीचर्स भी आपको ऑफर किए जाते हैं। और वायरलेस चार्जर इस तरफ यहाँ से मिल जाएगा, और कप होल्डर हिडन, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इंटीग्रेट किया गया, तो ये आपके को ड्राइवर के लिए हो गया। हालांकि जो को ड्राइवर यानी कि मैं हूँ, मेरे पास यहाँ पर भी कप रखने की जगह है, बट वो थोड़ी नीचे है, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा कन्वीनियंटली रख पाता हूँ। सारे कंट्रोल्स यहाँ पर मिलेंगे, वेंटिलेटेड सीट्स, हीटेड सीट्स, रियर क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटोमेटिक AC के 3 अलग अलग फंक्शन हैं, लो, मीडियम, हाई,
और क्या है, फ़ैन की स्पीड, वॉल्यूम, ये सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। अब जो लोग सोच रहे हैं कि इसकी स्क्रीन का साइज़ थोड़ा बड़ा हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, लेकिन कंपनी ने ज़्यादा सेंटर किसे रखा है, रियर पैसेंजर्स के लिए। और एक स्टोरेज आई थिंक यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आपको स्टोरेज एडिशनल जो है वो मिल जाती है इसके साथ ही, तो यहाँ पर भी आपका काफ़ी सामान आ सकता है। तो कंपनी ने स्टोरेज का बहुत ध्यान रखा है इस गाड़ी में, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी देने तो स्टोरेज स्पेस भी तो बनती ही थी ना, क्योंकि स्टोरेज स्पेस आपको यहाँ पर भी मिल जाती है। देखो स्टारिया की एम्बिएंट लाइटिंग तो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, ये पूरा ऐसे पैनल बंद हो जाता है, आप यहाँ पर सामान रख सकते हो, रख यहाँ भी सकते हो, लेकिन इसे खोलोगे तो दिक्कत आएगी, तो ये लॉक मैकेनिज्म के साथ है, ऐसे स्लाइड हो गया, ऐसे अपने आप खुलने वाला नहीं है, इसको प्रेस करोगे तभी ये पीछे जाएगा, और इसे अब यहाँ पर आके लॉक भी कर सकते हो, यानी कि इतनी जगह पर भी लॉक हो गया है। तो अगर आप सिर्फ कप्स रखना चाहते हो, बाकी स्टोरेज नहीं, और उसको भी यूज़ करना, तो एक और बार प्रेस कर नीचे पूरी डीप स्टोरेज मिल जाती है पीछे तक, तो आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेस बन जाती है। वहाँ पर भी ग्रूव दिया गया ताकि ब्रेक लगने पर सामान आगे ना गिरे, तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस यहाँ पर मिल जाती है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊँ, अगर आप इसको निकालना चाहते हो निकाल भी सकते हो, और इवन इसको अगर एडजस्ट करना चाहते हो तो वो भी कर पाओगे। ये नहीं, एडजस्ट नहीं होगा, सॉरी, ये यहाँ पर ही होता है, यहाँ निकलेगा या लग जाएगा, तो आपके पास ऑप्शन रहती है इन कप होल्डर्स को निकाल के इस स्टोरेज को और भी ज़्यादा बड़ा बनाने की। अब इसको हम वापस कर देते हैं बंद। सारी एक लुक्स रियली रियली नाइस, ये टच बहुत प्यारा लग रहा। अब आता है इसका मेजर पोर्शन, यानी कि सेकंड रो, यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा कंफर्ट मिलने वाला है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें सीट्स की, तो क्वालिटी तो अच्छी है ही है, लंबर सपोर्ट जैसे फंक्शंस हैं वो भी आपको ऑप्शन मिल जाती है। इलेक्ट्रिकली मैं यहाँ से अभी इलेक्ट्रिकली उनको एडजस्ट कर पा रहा हूँ और मुझे काफ़ी बढ़िया फील आ रही है। हालांकि जो स्लाइडिंग है वो मेरे को मैनुअल ही करनी पड़ेगी, और बट पूरी मसाज वाली फील पूरी आ जाती है, एक अच्छा लुक आपको यहाँ पर मिल जाता है इस, यानी कि अंडर थाई सपोर्ट के साथ साथ अंडर लेग, यानी कि आपको प्रॉपर जो काफ सपोर्ट है उसे भी आप एडजस्ट कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंगली। तो ये चीज़ भी मुझे बहुत बढ़िया लगी, काफ़ी एक्सटेंड आगे तक हो जाता है, और सीट को भी आप अगर रिक्लाइन करना चाहते हो तो वो भी आपके पास ऑप्शन मिल जाती है। अलग अलग वेरिएशंस अवेलेबल हैं आप यहाँ से चूज़ करके, और ये भी आपको हीटेड वेंटिलेटेड दोनों मिल जाती हैं, तो अगर मैं रिलैक्स करना चाहता हूँ तो मैं ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। आर्मरेस्ट मेरे को यहाँ पर भी मिलेगी, और आर्मरेस्ट मेरे को यहाँ पर भी मिल जाती है, तो अगर मैं सोना चाहता हूँ तो लेग्स ऊपर करके आराम से सोना चाहूँ तो सो सकता हूँ। लेकिन कम्फर्ट की बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, इस लग्जरी गाड़ी में आपको और भी बहुत कुछ मिल जाता है। आओ अब हम इस सीट को वापस फोल्ड करते हैं ताकि मैं आपको और चीज़ें दिखा सकूं। अब इन सीट्स के साथ जो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल काफ़ी हद तक हो जाती हैं, क्योंकि इतनी सारी ऑप्शंस है पर्सन कंफ्यूज ही हो जाए क्या क्या मिलता है आपको। कंफर्ट में के लिए आपको यहाँ पर एक कप होल्डर जिसमें दो आप कप्स रख सकते हो, को ड्राइवर ड्राइवर दोनों सीट्स के लिए, हिडन तरीके से फोल्ड भी होता है, टाइप ए पोर्ट्स आपको मिल जाते हैं, स्टोरेज स्पेस नीचे ट्रे पूरी आपको एक मिल जाती है, ड्रॉ टाइप फंक्शन में इस तरफ भी आप सामान रख सकते हो, फ़ोन के अलग छोटी पॉकेट नेट है, हुक्स दिए गए हैं, और कंफर्ट के लिए आपके पास ऊपर की तरफ देखोगे तो एसी वेंट्स भी डेडिकेटेड प्रॉपर मिल जाते हैं, जहां का कंट्रोल आपको इस तरफ राइट साइड देखने को मिल जाएगा। एलईडी लाइट्स कुछ इस तरीके से, पैनोरामिक सनरूफ इस तरीके से जो कि आगे से ऑपरेट होती है, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रख लें। यहां पर भी कोई कंट्रोल मेरे ख्याल से सनरूफ का होना चाहिए था, जिससे मैं इसे ओपन कर पाता तो ज़्यादा बढ़िया फील आती, बिकॉज हर बार मुझे ड्राइवर को कहना पड़ेगा कि भाई सनरूफ खोल दो, या फिर जो वॉइस कमांड्स होते हैं उनके थ्रू मैं खोल पाऊँगा। और सीट्स में क्वालिटी बहुत अच्छी लगी है सीट्स की, ओवरऑल आपको सारे फंक्शंस यहाँ मिल जाते हैं। यहाँ से निकलने के लिए डोर हैंडल बड़ा और ये बटन मिल जाता है अगर आप इस डोर को कम्प्लीटली बंद करना चाहते हो, तो कुछ इस तरीके से बंद हो जाता है। और कुछ सारी ऑप्शंस मेरे को मिल जाती हैं म्यूज़िक के लिए, यानी कि बोस के स्पीकर्स भी। अब प्रीमियम फीचर्स यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाते, आपको मिल जाते हैं प्रॉपर एक फुल साइज सनशेड, जिससे आप इसको बंद करके आराम से रिलैक्स कर सकते हो, ज़्यादा एक्स्ट्रा लाइट अंदर नहीं आती है, वो भी आपको कन्वीनियंट फीचर मिल जाता है। और उसके साथ साथ अगर आप इन विंडोज़ को खोलना चाहो तो कुछ इस तरीके से खोल पाओगे, इसका फ्लैप आप करना है, और एक सेकेंड हम पहले सीट को एडजस्ट करें, और इसको आपको पीछे करना है कुछ इस तरीके से, तो आपके पास पूरा ये विंडो पिन कुछ ऐसे ओपन हो जाता है रेदर देन ऐसे स्लाइड होने के। तो ये भी ठीक है, ये भी तरीका बढ़िया है वैसे दरवाज़ा खोलने का पूरा। इंटरेस्टिंगली आपको यहाँ पर बॉस मोड भी मिल जाता है, जिससे आप इस सीट को यानी कि को ड्राइवर को अपने मनपसंद तरीके से एडजस्ट कर सकते हो पीछे से ही। यानी कि अगर मेरा कोई गनमैन आगे बैठा, उसको बोलूँगा कि भाई मुझे ज़्यादा चाहिए, तेरी में सीट यहाँ से एडजस्ट करना, तो इस तरीके का कर सकता हूँ। हालांकि जिस तरह की ये गाड़ी है आपको ये फंक्शन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्पेशियस बहुत ज़्यादा है। अब चलते हैं स्पेस की और बात करते हुए रियर सीट में, वो भी आपको दिखाता हूँ कितना ज़्यादा आसान है। ऑलमोस्ट मैं पूरा ऊपर खड़ा हो सकता हूँ, मतलब कुछ इस तरीके से, और पीछे जाना बहुत आसान हो जाता है, और धड़म हम आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं। अब ये वाली सीट मैं आपको आगे करके एडजस्ट करके दिखाता हूँ। थर्ड रो ये लग ही नहीं रही कि थर्ड रो, सेकंड रो वाला पूरा कंफर्ट, स्पीकर्स मिल जाते हैं, स्पीकर्स हैं, एयरबैग्स पीछे लगाते हैं, यूएसबी पोर्ट्स हैं,
स्पेस बहुत ज़्यादा मिल जाती है, तीन लोग आराम से बैठ सकते हैं। और ये टेक्निकली सेवन नहीं, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सीट्स जो बन रही हैं। अब इसी में आपको एक ऑप्शन मिल जाती है कि यहाँ पर एक बेंच वाली सीट लगवा सकते हो, या फिर आपके पास ऑप्शन रहती है स्टारिया में 12 सीट ऑप्शंस की, उसकी वीडियो हमने अलग से बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चेकआउट करना ना भूले। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक देख ले, फॉलो कर ले, बिकॉज हम आपके लिए एक्सक्लूसिव वीडियोस लेकर आ ही रहे हैं। चलो इसी रो के बारे में कंटिन्यू करते हैं। हेडरेस्ट प्रॉपर आपको मिल जाते हैं, तीनों सीट बेल्ट भी आपको तीनों पैसेंजर की मिलेगी, एसी वेंट प्रॉपर मिल जाता है, एलईडी लाइट आपको यहाँ पर मिल जाती है, और साथ में एम्बिएंट लाइटिंग भी जो साइड पे आपको पूरी मिल जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मेरे को बूट में ज़्यादा सामान रखना हो तो क्या, लेकिन उससे पहले ये विंडो दिखा दो कि सनशेड जो है वो आपको यहाँ पर भी मिलेगा विंडो पेन पे। और इसको ओपन करना चाहो तो कुछ इतने के तरीके की ओपन, इससे ज़्यादा नहीं, इतनी का आपको ओपन मिल जाती है ताकि एयर वेंटिलेशन आराम से हो सके, सर्कुलेशन आराम से हो सके। बट अब आप सोच रहे हो कि बूट स्पेस में ज़्यादा सामान रखने हैं तो यहाँ पर मैं इस सीट को थोड़ा आगे कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस ही स्पेस है। तो करने का तरीका इससे बहुत सिंपल, इस लीवर को अप किया और इतने के आगे तक मैं इस सीट को ला सकता हूँ, फिर भी स्पेस देखो कितनी ज़्यादा बच जाती है और इससे बूट स्पेस भी काफ़ी एक्स्ट्रा हो जाती है। आपने इंटीरियर का कमाल तो देख लिया, लेकिन बारी आती है इसके साइड प्रोफाइल का धमाल देखने की, यानी कि साइज़ देखो कितना ज़्यादा बड़ा मिल जाता है। माई हाइट इज़ 5'9" और ये कितनी ज़्यादा ऊपर तक गाड़ी की जो हाइट है वो जा रही है। अब इसका बेनिफिट ये मिल जाता है कि आपको एक बड़ी गाड़ी वाली फील आती है, स्पेस अंदर अच्छी मिल जाए जो कि मैंने आपको दिखाया, और लुक्स तो कमाल के हो ही जाते हैं। फ्रंट में 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स, रियर में 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स, ऑफकोर्स ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स आपको मिल जाते हैं, हाई ग्राउंड क्लीयरेंस तक प्रोवाइडेड है, प्रॉपर ये जो फिनिशिंग ब्राउन वाली थी डोर पे भी मिलती है। और डोर को अगर खोलना चाहते हो तो रिक्वेस्ट सेंसर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसको ऐसे पुल भी करोगे तब भी ये जो डोर्स हैं वो ईजिली ओपन हो जाते हैं, हालांकि मुझे रिक्वेस्ट सेंसर वाला ऑप्शन ज़्यादा बढ़िया लगा है दिखने में। रही बात इसके रियर प्रोफाइल की, वो इसकी खास बात है, बिकॉज उसका शेप, उसकी साइज़ अलग ही लेवल चला जाता है और वैसा लुक आपको और कहीं देखने को नहीं मिलता। स्टारिया की स्पेसिफिकली बात करो तो देख सकते हो सारे फीचर्स तो आपको मिलेंगे। ये कंप्लीट एलईडी है, जो टेल लैंप है यहाँ पर भी एलईडी, नीचे भी एलईडीज ही आपको ऑफर किए जाते हैं और लुक काफ़ी डिफरेंट आ जाती है। डिफॉगर्स ऑफकोर्स यहाँ पर आपको वॉशर ये रहा, हाई स्टॉप लैम्प, बड़ा स्पॉयलर और वाइपर हिडन तरीके से रखा गया क्योंकि यहाँ रखते तो अच्छा ना लगता। और बड़ी सारी इसका बूट लिड जो है वो मिल जाता है स्टारिया की उसी ब्रॉन्ज में बैजिंग, और नीचे भी आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स चार और 2.2 लीटर की डीजल इंजन की बैजिंग इस तरफ मिल जाती है। बट इंटरेस्टिंगली ये इतनी बड़ी टेल गेट, मैसिव टेल गेट है ये, अब देख सकते हैं कि आपको इतनी ज़्यादा स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। इन सीट्स को फोल्ड करना चाहें तो आपके पास ऑप्शन रहती है, कुछ नहीं करना, इसको जस्ट पुल करना और ये फोल्ड कर लिया, स्टोरेज स्पेस बन गई। इससे ज़्यादा स्टोरेज स्पेस आते हैं तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी बिकॉज इतनी ही मिलती है बड़े बैग रखने के लिए, इससे कम करनी है तो इसको पीछे पुल कर सकते हो ताकि स्पेस वहाँ ज़्यादा मिल सके, इससे ज़्यादा स्पेस चाहिए तो इसको आगे की तरफ पुश कर सकते हो, और इन सीट्स को वापस लाने के लिए वापस ऐसे पुल आउट कर सकते हो। ये जो है वो रिक्लाइन भी हो जाती है तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर लगता है। अब बारी आती है सोचने की कि किसको ये व्हीकल लेना चाहिए किसको नहीं। तो अगर तो आप एडवेंचर फ्रीक हो, फैमिली के साथ घूमना प्रेफर करते हो और अपनी गाड़ी में जहाँ पर आप कंफर्ट भी चाहते हो, फीचर्स भी चाहते हो, स्पेस भी चाहते हो, तो स्टारिया जैसा और कोई नहीं। इसकी व्हीकल ये अपने आप में एक स्टार है, ये एक ऐसा व्हीकल है। अब मेरी माने तो स्टारिया को इंडिया में लॉन्च क्यों नहीं किया जा रहा, लेट क्यों किया जा रहा है वो बता दो, बिकॉज ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव वाली साइड पर है, इस जिस तरह की इंजन के साथ आती है, साइज़ के साथ आती है, फीचर्स के साथ आती है, और साथ में ऑफकोर्स ये इस पर टैक्सेस देखो कितने ज़्यादा लग जाने हैं, तो ये 40-50 लाख के ऊपर आराम से जाने वाली है, 60 लाख भी हो सकती है। तो उस वजह से जो कंपनी इसे डिले कर रही है, बिकॉज हो सकता है हर कोई इस व्हीकल को परचेज ना कर पाए, तो डिमांड उतनी ज़्यादा है नहीं, और अगर ये लॉन्च कर दी तो थोड़ा मतलब यू नो घाटे का सौदा हो सकता है। Now what do you think about the Starry, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसे अगर लॉन्च किया गया कभी तब किया जाएगा जब हमारी बाइंग कैपेसिटी यानी कि इंडियन बाइंग कैपेसिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, जब ज़्यादा लोग महंगी गाड़ियां ले पाएंगे तब स्टारिया एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। अब आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। Hyundai की क्या हमने सारी गाड़ियों की, होंडा, टोयोटा, इवन MG, किया, सबकी गाड़ियां बनाई हैं, सुजुकी की नई लेटेस्ट कार्स के बारे में वीडियो बनाई है, तो चेकआउट करना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, और सब्सक्राइब और फॉलो करना तो आपका काम है ही और मेरी रिक्वेस्ट है ही। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।